माय न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो एचएफ डीलक्स बाइक के बारे में। उस वीडियो के अंदर काफी सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ, जैसे प्राइस क्या देखने मिलेगा, कलर्स क्या क्या देखने मिलेंगे, माइलेज क्या देती है और फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन क्या देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा, अपने भाई के चैनल पर पहली बार है तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। गाइस, जैसा कि आप पता, आप भाई सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ हम बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। गाइस, इस बाइक के अंदर 5 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाता है। किक स्टार्ट ड्रम स्पोक व्हील, किक स्टार्ट ड्रम अलॉय व्हील, सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील, सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील ऑल ब्लैक और साथ में सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील i3s टेक्नोलॉजी में मिल जाती है। अब बात करते हैं किक स्टार्ट ड्रम स्पोक व्हील के बारे में, तो इसका एक्चुअल प्राइस देखने के लिए 47,800 रुपये का। RTO अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा 3,168 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट देखने मिलेगा 5,078 रुपये का और अदर चार्जेस देखने मिल जाएंगे 1,950 रुपये के, जिसमें से हैंडलिंग चार्ज होंगे 780 रुपये, अदर चार्जेस होंगे 925 रुपये और 200 रुपये का स्मार्ट कार्ड होगा। एडिशनल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे 175 रुपये के। तो ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगी 57,951 रुपये की। अब बात करते हैं किक स्टार्ट ड्रम अलॉय व्हील के बारे में, एक्चुअल प्राइस देखने मिल जाएगा 49,000 रुपये का। RTO अमाउंट देखने को मिलेगा 2,940 रुपये और इंश्योरेंस अमाउंट देखने को मिल जाएगा 5,480 रुपये का। ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगी 57,420 रुपये की। सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील देखने मिल जाएगी, एक्चुअल प्राइस 56,675 रुपये, RTO अमाउंट 3,701 रुपये, इंश्योरेंस अमाउंट 5,232 रुपये। अदर चार्जेस की बात करते हैं, वही सेम देखने मिलेगा 1,905 रुपये का। एडवांस चार्जेस मिलेंगे इसके अंदर 175 रुपये और ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगी 67,513 रुपये की। अब बात करते हैं सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील ऑल ब्लैक के बारे में, इसका एक्चुअल प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा 57,300, RTO अमाउंट 3,438 रुपये और इंश्योरेंस अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा 5,657 रुपये का। ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगी 66,395 रुपये की। अब बात करते हैं सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील i3s के बारे में, तो एक्चुअल प्राइस देखने मिल जाएगा 58,000 रुपये का। RTO अमाउंट 3,780 रुपये, इंश्योरेंस अमाउंट 5,255 रुपये का देखने के लिए मिल जाएगा। अदर चार्जेस 1,905 रुपये के देखने मिलेंगे। एडवांस चार्जेस देखने के मिल जाएंगे 175 रुपये। ऑन रोड प्राइस देखने मिल जाएगा 68,940 रुपये की। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में, कौन कौन से कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसमें 5 कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। हैवी ग्रे विथ ग्रीन, टैको ब्लू, ब्लैक विथ पर्पल, ब्लैक विथ रेड, हैवी ग्रे विथ ब्लैक कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो भी काफी ऑसम और क्लासिक कलर्स देखने में लगते हैं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, कि माइलेज क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इसके अंदर माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा 70-76 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 किलोमीटर में 70-76 किलोमीटर इजीली चल जाएगी। अब बात करते हैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में, तो इंजन टाइप्स में एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 97.2 cc का देखने मिलेगा। मैक्सिमम पावर 8.02 PS एंड 8000 RPM का देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क इसमें 8.05 Nm एंड 6000 RPM देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 देखने मिलेंगे। कूलिंग सिस्टम इसमें एयर कूल ड्राइव टेक चेन ड्राइव। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, कि भाई स्टार्टिंग कैसे होती है, तो स्टार्टिंग इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ही दिए गए हैं। फ्यूल सप्लाई से फ्यूल इंजेक्शन थ्रू दी गई है, जिसे हम FIV बोलते हैं। क्लच इसके अंदर वेट मल्टी प्लेट में दी गई है। अब बात करते हैं इग्निशन के बारे में, तो इग्निशन इसके अंदर DC डिजिटल CDI दिया गया है। ट्रांसमिशन मैनुअल में देखने को मिल जाएगा। गियरबॉक्स 5 स्पीड बोर इसमें 50 mm और स्टॉक इसमें 49.5 mm का देखने के लिए मिल जाएगा। एमिशन टाइप BS6 देखने मिलेगी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ BS6 ये बाइक होने वाली है। फीचर्स एंड सेफ्टी की बात करते हैं, ABS इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ब्रेकिंग टाइम इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने मिलेगा, साथ ही में इसमें i3s टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाएगी। स्पीडोमीटर एनालॉग में देखने मिलेगा, ओडोमीटर एनालॉग और कंसोल मीटर भी एनालॉग में देखने को मिलेगा, साथ में पास स्विच इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एडिशनल फीचर्स i3s टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसमें ऐड करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। साथ में पैसेंजर फुट ट्रेस भी देखने के लिए मिल जाएगा।
चेसिस एंड सस्पेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम चेसिस की बात करेंगे। चेसिस में टबलर डबल कार्डल में देखने को मिलेगा, बॉल्टा इसमें कम्यूटेटर बाइक होने वाली है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्वर में देखने को मिलेगा, और ये सस्पेंशन इसमें टू स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्वर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ में बॉडी ग्राफ्स भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन कैपेसिटी की, तो लेंथ इसमें 1965 mm और फिर 720 mm की देखने के लिए मिल जाएगी। हाइट इसमें 1045 mm। अब फ्यूल कैपेसिटी बात कर लेते हैं, फ्यूल कैपेसिटी 9.6 लीटर्स देखने के मिल जाएगी, यानी कि 9.6 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। सैडल हाइट देखने मिलेगी 805 mm, ग्राउंड एंड क्लियरेंस 165 mm और वाइलबेस 1235 mm की देखने के मिल जाएगी। कर्व वेट की बात करते हैं, भाई इसका वेट क्या रहने वाला है, तो इसका वेट रहने वाला है 112 kg का, यानी कि 112 kg की टोटल बाइक रहने वाली है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो हेडलाइट हेलोजन में देखने मिलेगी, टेल लाइट बल्ब में और टर्न सिग्नल लैंप बल्ब में देखने के लिए मिल जाएगी। बैटरी टाइप इसमें MF में देखने मिलेगी, जिसे हम मेंटेनेंस फ्री भी बोलते हैं। बैटरी कैपेसिटी इसमें 12 volt 3 hours की देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं टायर्स एंड ब्रेक्स की, सबसे पहले हम टायर साइज की बात करेंगे। फ्रंट टायर इसमें 2.75-18 का, और रियर टायर भी सेम ही साइज का देखने मिलेगा, 2.75-18 का देखने के लिए मिल जाता है। टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस देखने मिलेगा। वाई साइज की बात कर लेते हैं, फ्रंट वाइल इसमें 457.2 mm का देखने मिलेगा, और रियर वाइल भी सेम ही साइज का देखने मिल जाएगा, 457.2 mm का देखने के लिए मिल जाएगा। वाइल टाइप इसमें अलॉय देखने मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की, दोनों ही ब्रेक इसमें ड्रम में देखने मिलेंगे, रेयर एंड फ्रंट दोनों ही ड्रम में देखने के लिए मिल जाएंगे। डायमीटर्स की बात करते हैं, फ्रंट ब्रेक डायमीटर 130 mm का देखने मिलेगा, और रियर ब्रेक डायमीटर भी 130 mm का देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही में रियर टायर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस अगर अपने भाई के चैनल में पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।